सामाजिक कार्य करने चाहिए, फिर घर परिवार की चिंता खत्म हो जानी चाहिए। इब मेरी बहन, मैंने बाण प्रस्त लिया है अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। जो विद्या अधूरी रह गई है गुरु गोरखनाथ के डेरे में उन्हें सीखूंगा और थोड़े दिन बाद वानप्रस्थ से सन्यासी हो जाऊंगा, फिर दुनिया की कोई मोह ममता मुझे नहीं लग सकती। वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन एक राजा होते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। मुझे बताइए वो कारण क्या है, मैं असली कारण जानना चाहती हूँ, आप मुझे बहकाइए ना। असली कारण पूछना चाहती है? हाँ। तो तू अपनी बात कहे, एक एक प्रश्न का उत्तर समाज में दे दूंगा जो इनके दिल में उतरेगा। सुनिए मेरी बात। हाँ। किया गया, बहुत बहुत
इसमें तेरी बलाई, और दुखी नहीं उस पिंगला की मैंने अक्कर सियानी कर दी। उस दुष्टनी का, उस कुलघातनी का नाम मेरे सामने आ गए तो मैना बनती ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसकी सकल सूरत से भी नफरत करता है ये भरतरी। जिसके बिना देखे आप भोजन तक नहीं करते थे, जिसका 24 घंटे नाम आपकी जुबान पर रहता था, आज आप उसे कुलघाती नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो चंदालनी है। चंदालनी? क्योंकि पंडित जी ने लिखा है भाई साहब, अकबर आले की बाल न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। दादा किशन लाल सुन ध्यान से, बाण आले की बाण न जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, और प्रिया अपनी ना हो से चाहे कितने इलाज। प्रिया अपनी नहीं होती, ये मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मेरी बात सुनिए, मैं और कुछ उसने जो कर्तव्य करा है, शायद मेरी पट्टी खोलने का काम करा है। अच्छा। ए मेरी बहन, महात्मा हो गया महात्मा ही ध्यान दे। अच्छा। और ये 200 रुपए जलियाबाद से हमारे बाबूजी राजकुमार जी दोनों कलाकारों को 200 रुपए से सम्मानित करते हैं। जलियाबाद वालों का, राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जो अमर होने
होने की बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ये शरीर अमर रहेगा। अजर शब्द अलग है और अमर शब्द अलग है। अजर का मतलब जो काया जर्जर ना हो, मेरी बहन वो विद्या मेरे पास नहीं है। इस शरीर को तो मरना पड़ेगा, पर मैं इतना हवन करूंगा, इतना तप करूंगा, इतनी यज्ञ करूंगा कि मुझे परमात्मा के चरणों में स्थान मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं उस बात के लिए अमर कह रहा था। आपने ये कहा कि आप अमर हो जाओगे। हाँ। अगर आप अमर हो जाओगे तो मेरे बेटे गोपीचंद को भी अमर करवाइए। लेकिन वो अमर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जब आप हो सकते हो? अरे और औरत के दिलो दिमाग में जो बात बढ़ जाए ना, एक बार वह लिख रहे को ना कहियो अपनी बात। मरे नहीं तो अमर करा दे, मरे नहीं तो अमर करा दे, गोपीचंद मेरा बेटा। तेरा एक लाल से मैं ना बनती, मत कर कुल का मेथा, मत कर कुल का मेथा। श्री लक्ष्मी चंद का सतगुरु।